छुई खदान ब्लॉक के बुंदेली ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया। उसे निर्माण कराने से पहले ग्राम सभा में प्रस्तावित नहीं किया गया है। कॉम्प्लेक्स निर्माण कराने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति नहीं ली गई है। कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए कार्यादेश जारी नहीं किया गया है। कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए राजस्व विभाग एवं तहसील से अनुमति भी नहीं ली गई है। जिस प्रकार से सचिव और सरपंच ने मनमानी करके जो कॉम्प्लेक्स बनाया है उसे अवैध घोषित किया जाए। साथ ही ग्रामीणों ने सचिव पर आरोप भी लगाया है कि 2 वर्ष पूर्व किए गए मनरेगा काम का आज तक भुगतान नहीं किया गया है। सचिव को मनरेगा की मजदूरी के लिए पूछने पर सचिव आजकल कहकर 2 वर्षों से घुमा रहे हैं। सचिव की लापरवाही को देखते हुए सचिव और सरपंच पर उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य गीता घासी साहू और मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजीत बसंत को भी ज्ञापन सौंपा है। पंचायत बुंदेली से दिवाकर कुमार सोनी हूं। मैं पूरा ग्रामवासी के साथ आज कलेक्टर में आया हूं। सरपंच और सचिव के द्वारा मनमानी पूर्वक अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण करने में सरस्वती शिशु मंदिर को भी तोड़ा गया था, जिसमें 100-200 बच्चे पढ़ रहे थे। और गांव वाले को बोला गया कि अतिक्रमण करने के समय आपको प्रभावितों को चाल दिया जाएगा, और वो अनदेखे करके पैसा कमाने के चक्कर में नीलामी कर रहे थे। जब हम लोग रोक लगाए तो उसमें न मूल्यांकन था, न टीएस लिया गया, न कोई भी प्रकार का शासकीय स्वीकृति किया गया है। राजनीतिक दबाव के कारण हम लोगों के हक को कूटला जा रहा है और गरीबों को हक को कूटला जा रहा है। कृपया कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि वो जल्द से जल्द सरपंच और सचिव को बर्खास्त करके और चाल को अवैध घोषित करके हमको इंसाफ दे। हम इसी लिहाज कलेक्टर महोदय के पास दोबारा और आए हैं। हमारा ये 3रा बार आना हुआ है, हमको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। ऑनलाइन भारत के लिए उमेश्वर वर्मा की रिपोर्ट। बाकी मोंगरा के मेन माइंस में मेन मार्केट तक जर्जर सड़क और धूल डस्ट उड़ने से हो रही परेशानी का जवाब आज यहां की जनता ने चक्का जाम और अपनी दुकानें बंद रख कर दिया। इस बीच SECL के अधिकारी वार्ता के लिए 2 बार आंदोलनकारियों के पास पहुंचे, लेकिन उन्हें बेरंग लौटना पड़ा क्योंकि उन्होंने सड़क बनाने के लिए टेंडर देखे बिना जर्जर सड़क पर पानी छिड़कवा करना शुरू कर दिया, चक्का जाम समाप्त करने से मना कर दिया। इसके बाद SECL प्रबंधन सड़क निर्माण के लिए आज ही 34 लाख रुपए का टेंडर जारी करने को बाध्य हुआ, जिसकी एक प्रति अधिकारियों ने आंदोलन स्थल पहुंचकर सर्वदलीय मंच को सौंपी और तत्काल सड़क पर पानी का छिड़काव शुरू करवाया। SECL प्रबंधन एवं कार्यवाही के बाद ही सर्वदलीय मंच ने चक्का जाम आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। बाकी बाजार बंद और चक्का जाम जबरदस्त रूप से सफल रहा, जिसके लिए सर्वदलीय मंच ने सभी नागरिकों, व्यापारी वर्ग, राजनीतिक पार्टी और संगठनों का आभार व्यक्त। उल्लेखनीय है कि सड़क और धूल की समस्या को लेकर यहां की आम जनता में जबरदस्त आक्रोश है। माकपा ने बाकी मोंगरा की सड़क और धूल डस्ट की समस्या को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा की थी और 28 जनवरी को ढोल नगाड़ा बजाकर प्रशासन से छेरछेरा के सड़क निर्माण की मांग की थी। आज चक्का जाम करने की घोषणा की थी। चक्का जाम से पहले सर्वदलीय मंच बनाकर इस मुद्दे पर माकपा, कांग्रेस, भाजपा, व्यापारी दल, सामाजिक कार्यकर्ता और जन संगठन सभी एक मंच पर आ गए। इस मुद्दे पर समर्थन देते हुए व्यापारियों ने बाजार बंद की घोषणा कर दी, जिससे चक्का जाम की घोषणा ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। व्यापारियों ने स्वतः स्फूर्त रूप से अपनी दुकानें बंद रखी और वे भी चक्का जाम में शामिल हो गए। सुबह 2 बजे से शुरू हुआ चक्का जाम दोपहर 2 बजे तक चला। 6 घंटे के इस जाम में सड़क के दोनों ओर कोयला लदी सैकड़ों ट्रक खड़ी रही। इस अवसर पर हुई सभा को माकपा नेता प्रशांत झा, माकपा पार्षद सुरती कुलदीप, युवा नेता हुसैन अली, किसान सभा नेता जवाहर सिंह कंवर, नंदलाल कंवर, दीपक साहू, कांग्रेस के एल्डरमैन परमानंद सिंह, पार्षद पवन गुप्ता आदि ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने विकास कार्यों में बाकी मोंगरा क्षेत्र की उपेक्षा किए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर। सर्वदलीय मंच की ओर से बोलते हुए माकपा नेता ने SECL द्वारा आज जारी सड़क निर्माण के टेंडर को आम जनता के आंदोलन की जीत बताया और इस क्षेत्र के विकास के लिए ज्यादा एकजुट होने की अपील। चक्का जाम को सफल बनाने में व्यापारी वर्ग की प्रमुख भूमिका रही। R9 भारत के लिए राकेश कुमार बंसल की रिपोर्ट, सूरजपुर, छत्तीसगढ़।